केंद्र सरकार के द्वारा किसान कानून पारित किया गया, जिसका विरोध किसान संगठन के साथ मंडला में कांग्रेस नेताओं ने किया। भारत बंद का असर मंडला में नहीं देखा गया, जनजीवन सामान्य रहा। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा कृषि कानून के विरोध में रैली निकाली गई व महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बिछा विधायक नारायण सिंह पट्टा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव संजय सिंह परिहार, जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश तिवारी व समस्त कांग्रेसी उपस्थित रहे। वहीं विधायक नारायण सिंह पट्टा ने ट्रैक्टर चलाकर बता दिया कि मैं किसान हूं। विधायक जी, आज ज्ञापन सौंपा गया है कांग्रेस की तरफ से, किन बातों को लेकर? भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा जो किसान विरोधी तीन काले कानून पास किए गए हैं, जिन कानूनों के विरोध में आज पूरा भारत किसानों की अगुवाई में बंद किया गया है, जिसका समर्थन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पर हमारा जिला कांग्रेस कमेटी समर्थन में कि वो काले कानून वापस लिए जाएं और किसानों के हित में कानून बनाए जाएं, जिसको लेकर के हम सब लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है। और जब तक ये काले कानून बदले नहीं जाएंगे, जब तक किसानों के हित में कानून नहीं बनाया जाएगा, तब तक कांग्रेस पार्टी जो है किसानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के संघर्ष करती रहेगी, जिस बात का हम सब लोगों ने आज ज्ञापन स्वरूप एक सांकेतिक ढंग से हमने दिया है। और यदि अगर इस पर सुधार नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में हम सब सड़क पर, जमीन पर किसानों के साथ मिलकर के संघर्ष करेंगे और किसानों को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई लड़ती रहेगी। धन्यवाद। आंदोलन को लेकर आज आपने ज्ञापन सौंपा, क्या विषय है, क्या मांग है? ये विषय कोई नया नहीं है, आप सभी को विदित है कि पिछले 13 दिन से किसान वर्तमान की केंद्र में बैठी भाजपा सरकार के द्वारा पारित किए गए तीन कानूनों को रद्द करने की मांग करने लगे। उस बात को लेकर के आज उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया था। कांग्रेस पार्टी ने उनके भारत बंद के आह्वान का समर्थन किया है और साथ ही साथ, जैसा कि इस मुद्दे को पहले भी कांग्रेस ने उठाया, इन कानूनों को रद्द करने की मांग की, आज पुनः एक बार इसी माध्यम से इस बात का ज्ञापन दिया गया है कि इन तीनों किसान विरोधी कानूनों को तत्काल रद्द किया जाए। और इन परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है, किसानों की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी में जो किसान के लिए कानून बनाए गए हैं तीन अध्यादेश के माध्यम से, इसमें आपकी क्या आपत्ति है कि इसमें क्या चीज़ खराब है और क्या सुधारना चाहिए? अगर कानून तो बहुत बड़ा है और उसमें बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं एक लाइन में अपनी बात कहना चाहूँगा, इससे सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि अगर ये जो लाया गया है कानून किसान के हित का है तो किसान आखिर सड़क पर क्यों है, नंबर एक। और किसान चाह क्या रहा है? किसान चाह रहा है कि जो आप बोल रहे हो कि हमने MSP बंद नहीं की, तो एक लाइन लिखने में आपका क्या जा रहा है, उस कानून में उसका इंदराज करने में क्या जा रहा है? इससे साफ जाहिर होता है कि आपकी मनसा ठीक नहीं है। अगर ये बात सिर्फ लिखित जो आप बोल रहे हैं तो बात को लिखित में आप ला देते, कानून में इसका जिक्र कर देते, तो ये बात आज मुहूर्त नहीं आती। ये बात कांग्रेस पहले भी कहती रही, उसके बाद जब किसानों को ये बात समझ में आई तो किसान आज सड़क पर। केंद्र सरकार के एक मंत्री ने आरोप लगाया है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब उनके मंत्री इनमें जो प्रावधान है उनकी मांग करते थे, आज उन्हीं प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, आप एक बात मानकर चलिए कि जब भी किसान की बात आई है और जो परिस्थितियाँ हुई हैं, किसान के लिए अगर किसी ने हित में उनकी बात की है तो सिर्फ कांग्रेस ने की है। आप भविष्य में आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे, जब आप पूरे कानून का अध्ययन अगर कोई व्यक्ति करेगा उसको इस बात का एहसास होगा कि कहीं ना कहीं इन कानून में किसान का अहित हो रहा है। इसीलिए आज पूरे देश का जो किसान है वो सड़कों पर है और बड़ा दुर्भाग्य है
कि इसके बाद भी उनके जो भाजपा के अनुशासित संगठन हैं और सत्ता के सहयोगी लोग हैं किसानों पर आरोप लगा रहे हैं कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं, किसान पाकिस्तानी हो गया यार, आज किसान खालिस्तानी हो गया। तो ये पूरे देश से जो लोग जा रहे हैं वो खालिस्तान के हैं क्या? मध्य प्रदेश से भी किसान गए? तो मैं समझता हूँ इसमें बहुत ज़्यादा कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है, जो गलत होगा उसके ही विरोध में लोग सड़कों पर आएंगे। किसान पूरे देश का आज सड़क पर है, मतलब ये कानून गलत है। मंडला में बंद सफल नहीं हुआ तो क्या माना जाए कि मंडला के किसान? देखिए, एक बात आप बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो बंद का आह्वान था किसान संगठनों का था, ये बात आप भी जानते हैं कि मंडला ज़िले में कितने किसान संगठन हैं या नहीं हैं। इस बात की तुलना आप बड़े ज़िले और बड़े क्षेत्र जहां पर हैं कि यहां पर किसान संगठन अपना काम करता है वहां पर, आज यहां पर छोटे किसान हैं, छोटे रूप में काम करते हैं, किसान संगठन का यहां इतना प्रभाव नहीं है। वो बंद का आह्वान किसान संगठन का था, उसको सहयोग कांग्रेस पार्टी ने दिया है। जहाँ भी एक्टिव किसान संगठन है वहाँ 100% बंद।